नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए ले चलते हैं आपको पत्रकार वार्ता में। ये संस्था आपने कब बनाई और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? ये संस्था मैंने 2016 के अंत में बनाई थी और मेरे संस्था के जो मेन महत्वपूर्ण काम है, हमारे पश्चिमी दिल्ली के अंदर लगभग जितनी भी लवारिस लाशें होती है उनको हम टेक ओवर करते हैं और इन लाशों को कानूनी तौर पर लेने के बाद इन लोगों को सीएनजी में जलाने के बाद इनकी अस्थियों को हरिद्वार तक पहुंचाना हमारी संस्था का कार्य है। उसके बाद जब सीजन आता है तो उसमें गरीब लड़कियों का विवाह करवाना और रोज लगभग रोज किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर जाकर 200 लोगों को भोजन मुहैया कराना, यह हमारी संस्था का कार्य है। बाकी हम बीच बीच में सड़क किनारे रह रहे परिवारों को या बच्चों को या और झुग्गी क्षेत्र में जाकर हम लोगों को उनके अधिकार के बारे में समझाते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि आप लोगों को अपने आसपास की स्वच्छता, सफाई और शिक्षा का महत्व उनको बताते रहते हैं। संस्था को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको कहां से फंड्स आते हैं और कैसे? सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपका क्लियर करना चाहूंगा, वो ये कि जी मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, पैसों की कोई इतनी खास आवश्यकता नहीं है जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मगर फिर भी लोगों का मेरे को इतना ज्यादा योगदान और सपोर्ट मुझे मिलती है कि किसी ना किसी रूप के अंदर मेरे यार दोस्त, मेरे मित्र, कहीं अनजान लोग जो हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं वो हमको किसी ना किसी रूप में योगदान देते रहते हैं और उस योगदान के रूप से हम लोगों को आगे सोशल वर्क करते रहते हैं। क्या सरकारी सहायता भी नहीं मिलती? नहीं जी, मैंने सरकारी सहायता के लिए अभी तक अप्लाई किया है। आगे आगे इस काम को बढ़ाने में आपका क्या योजना है? मेरी रोज योजना यह है कि जी मैं एक जगह लेकर वहां पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर कुछ करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे आसपास की जो साफ सफाई है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। मैं केवल सड़क किनारे रह रहे लोगों को नहीं, जो अच्छी अच्छी कोठियों में रहते हैं उन लोगों को भी ये समझाना चाहता हूं कि अगर आज हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो आगे बीमारियों को दूर भगाएंगे। सर, भारत सरकार का अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे आप कितने सहमत हैं और उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जी, सरकार का कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मेरे लिए हर बच्चा समान है। मेरा तो कहना है कि बेटा भी पढ़ाओ और बेटा भी बचाओ। सरकार को ये अपना स्लोगन बदलना चाहिए और उनको कहना चाहिए बच्चे बचाओ और बच्चे पढ़ाओ। देखिए जी, लड़की और लड़का अगर हमारे संसार में या दुनिया में या हमारे समाज में कहा जाता है कि सामान्य, तो फिर उनका शिक्षा का जो अधिकार है वो भी सामान्य होना चाहिए। कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी लड़कों को शिक्षा नहीं मिल पाती। मैं मानता हूं कि लड़कियों की शिक्षा की जो दर हमारे हिंदुस्तान में है वो कम है, मगर फिर भी लड़कों को भी उतना ही सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं इस स्लोगन में थोड़ा सा बदलाव हाथ जोड़कर चाहूंगा कि सरकार करे और इस स्लोगन को ऐसे करे कि बच्चे बचाओ और बच्चे पढ़ाओ। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का अभियान है, उसके ऊपर आप कितने सहमत हैं और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं और क्या आपका विचार? देखिए जी, मैं सबसे पहले व्यक्ति विशेष को कहने से पहले मैं कहूंगा कि हमें जानवरों से सीखना चाहिए। हमारे देश में गाय को माता का ये दर्जा दिया गया है। अगर आप गाय को भी देखेंगे कहीं पे बैठने से पहले वो पूंछ से उस जगह को साफ करती है, चाहे हमारे पालतू कुत्ता हो या सड़क का कुत्ता हो वो भी बैठने से पहले पूंछ से साफ करता है। हम टीवी में भी देखते हैं कि जो शेर वगैरह है वो भी उस जगह को अपनी पूंछ से साफ कर बैठते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? मेरा केवल इतना कहना है कि इंसान अगर अपने आसपास की स्वच्छता पर, हर परिवार केवल केवल अपना घर ही देख ले, अपने घर के पीछे और घर के आगे, अपने साइड में, अपने आस पड़ोस में वो ना इतना ध्यान दे, केवल अपना अपना घर भी देख ले, तो आसपास के सारे लोग अगर ऐसे अपना अभियान चला लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्रों में कहीं पे गंदगी रहे। आज पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली के अंदर आई है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि कैसे उसका निदान? पर्यावरण के अंदर देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी संस्था आए दिन कहीं ना कहीं पे वृक्षारोपण करती रहती है और वृक्षारोपण के माध्यम से हम वहाँ पे स्वच्छ वायु को फैलाने का हमारा सबसे प्रथम अभ्यास है। और हम मगर उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं ये त्रुटि आ जाती है कि मैंने कितने ही सामाजिक संस्थाएं या मैंने कितने ही राजनीतिक लोगों के साथ काम किया है, मगर हमने कईयों के साथ ये चीज देखी कि वृक्षारोपण केवल और केवल कुछ समय के लिए करते हैं और उसके बाद उस चीज को वो पीछे पछाड़ देते हैं। वृक्ष केवल लगाने से ही वृक्ष नहीं बन जाते हैं, वृक्षों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। तो हमारी संस्था जिस भी वृक्षारोपण के अंदर जाती है उस वृक्षारोपण के ऊपर अपने वृक्षों की कहीं ना कहीं उनकी निगरानी करती रहती है और जाकर देखती रहती है कि उनको समय पर पानी और खाद मिल रही है या नहीं मिल रही। दिल्ली के अंदर एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है, तो उसका निदान के लिए आप क्या सोचते हैं?
देखे जी, उसके लिए हमारी पुलिस और राजनीतिक पार्टियों को एकजुटता अपनी दिखानी पड़ेगी। उस एकजुटता से भी सबसे पहले मैंने दिल्ली शहर के अंदर कई जगहों पे पढ़ा है कि भाई नेबरहुड वॉच की, पड़ोसी निगरानी, अगर हर क्षेत्र में पड़ोसी निगरानी वाला कार्यक्रम चलाया जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी भी क्षेत्र के अंदर सुरक्षा की कोई दिक्कत परेशानी रह जाएगी। हमारे यहाँ पे समाज के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि यहाँ पे लोग मैं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम पर कोई ध्यान नहीं देता। जो हम पर ध्यान देना जिस दिन हम सब शुरू कर देंगे, मैं शब्द जो है वो अपने आप ही पीछे चल जाएगा। ये संस्था का जो आप काम करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कब, विचार मन में कैसे आया, कैसे प्रेरणा? मैं संस्था का काम ऐसा जी, मैं सबसे पहले हम व्यायामशाला में जाते थे, तो व्यायामशाला के माध्यम से हमने कई सारे प्रतियोगिताएं देखी, प्रतियोगिताओं में भाग लिया हमारे माननीय गुरु जी के माध्यम से, मंजीत सिंह जी के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या रहा कि जी हमने देखा कि भाई धीरे धीरे कई सामाजिक संस्थाएं आती हैं जो हम लोगों का कहीं ना कहीं हमारे को बढ़ावा देती थी, तो हमने देखा कई सामाजिक संस्थाओं से अपना मेलजोल बढ़ा, फिर उन लोगों के साथ जाकर हमने काम किया, फिर हमने काम करके देखा कि हम मुट्ठी भर लोग हजारों लोगों को, लाखों लोगों को या कई सौ लोगों को खुश रखने की क्षमता रखते हैं। बस वही एक रोशनी थी जिसको पकड़ते 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 आज हमारी दिल से संस्था बन गई है और इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अंत में दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहा है? मैं दिल्ली की जनता को फिर यही कहना चाहूंगा जो अभी मैंने अपने पिछले प्रश्न में कहा है कि हम लोगों को, मैं नहीं, हम पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन हम वाली स्थिति अपना लेंगे तो अपने आप ही हमारी परेशानियां, हमारी दिक्कतें सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, हम अपने परिवार को हम कहते हैं कि हमारा परिवार, ठीक है जी, तो वैसे ही आप हमको अपनाइए ना, मैं को मत अपनाइए। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरों के लिए जीकर देखो, अपने लिए तो सब जीते हैं। जय हिंद, जय भारत।